हेलो, आज मेरे साथ हमारे एक किसान भाई हैं। इनका नाम है केदार सिंह। केदार सिंह सौलख है। तो इनके खेत में आई सारस का हैबिटेट है और अक्सर सारस इनके खेत में आते हैं। उन्हें ये बताएंगे कि सारस का आना और सारस का खेत में मौजूद होना कितना सार्थक है और सारस के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। बताइए, सारस क्या है? कीड़े, जो कीट पैदा होते हैं फसल में, उसको भी खा लेती है, उससे हमको फायदा ही होता है। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे फसल की कमर तोड़ती है, फसल की कमर टूटती नहीं, हालांकि लुढ़कता है, फिर से दोबारा तैयार हो जाता है पौधा, इसलिए इससे हम कोई नुकसान नहीं है खेती, इसके रहने से फायदा ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारस का आना फसलों के लिए और किसानों के लिए शुभ होता है? शुभ है, हाँ, बहुत है, ये कह सकते हैं। केदार जी ने एक हादसे का भी जिक्र किया जो 7 साल पहले हुआ था। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी केदार जी की ज़बानी। हम लोग चल रहे हैं अभी और केदार भैया का ये कहना है कि यहाँ पे पहले भी सारस आई हैं और यहाँ पे जो हाई वोल्टेज की तार गई हैं, क्या हुआ था भैया? वो शायद इससे उड़ते उड़ते टकरा गई होगी। हाँ। कम से कम 7 साल पहले। अच्छा, काफ़ी पहले की बात है। हाँ, तो मैंने खुद तो वो के किनारे, मतलब वो मर गई क्या वहीं पर? हाँ, मर गई वो। अच्छा, उसको फिर जमीन खोद के गड़ा दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, आज से करीब करीब 7-8 साल हुआ है। चलिए, तो हमें सारस मिल गया है, चलिए आपको थोड़ा दर्शन कराएं। ऊंचा कद और माणिक सा सुंदर लाल शीर्ष लिए दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी सारस। इनकी खूबसूरती और रमणीकता ऐसी कि मन करता है बस देखते ही रहो। भरोसे और वफादारी का प्रतीक सारस हमेशा अपने जीवन साथी के साथ ही रहता है। ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे खाने की तलाश हो, बच्चों की परवरिश, आराम फरमाना हो या भरनी हो ऊंची उड़ान, सारस कभी भी अपने हम सफर को नहीं छोड़ते। ये ऊंचे टापू की तरह दलदली इलाकों में अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। सो फाइनली कुछ फोटोज मिली, कुछ मोमेंट्स मिले सारस के, और मैंने उनसे एक सीमित दूरी बनाई रखी ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। और हम सभी वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट को और बर्डिंग एंथुसियास्ट को यही करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप बर्डिंग करें तो उनके हैबिटेट को, उनको एंग्शियस फील ना हो बर्ड्स को। तो छोड़ता जा रहा हूँ मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ के साथ जो आज मुझे सारस की मिली है। जस्ट कमेंट मी कि कैसी लगी, और फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।